और मध्य प्रदेश में बुधवार को दो नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से एक जबलपुर और जबकि दूसरा इंदौर में पाया गया है। अब प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या 4 हो चुकी है। 3 केस इंदौर जबकि एक जबलपुर का है। वहीं हरदा जिले के हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन समेत सभी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है। स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं बीएमओ डॉक्टर शैलजा महाजन ने कहा कि हम अलर्ट हैं और सभी पर्याप्त साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। मेरा नाम संतराम पाल, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंदी है। कोरोना के लिए अपने यहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं, जांच से लेकर रिपोर्टिंग तक। प्रदेश में इस समय इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, खासकर सांस सांस से संबंधित बीमारियां, बुखार, इस तरह के मरीज आने पर सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भी कहा गया है। हमारे पास वार्डों में पलंग की उपलब्धता, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, किट सभी कुछ उपलब्ध है। और हम चाहेंगे कि जो हमारे पुराने जो गाइडलाइंस हैं, हाथों को बार बार धोना, सफाई का ध्यान रखना, नाक आँखों को मुँह को बार बार न छूना, इन सभी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे। यदि हमें कोई सस्पेक्टेड मिलता है तो टेस्टिंग आगे बढ़ाएंगे।